पूर्णिमा के लिए आज बहुत बड़े इम्तिहान का दिन है। अब शायना ने इस बात को अपने दिल पर इस कदर लगा लिया है कि राज से तो मैं प्यार करती हूँ, तो भला उसकी पत्नी पूर्णिमा कैसे बनकर इस घर में आ गई है। शायना का मकसद है इस घर से पूर्णिमा को निकालने का। तभी तो देखिए राज के जन्मदिन पर उसने पूरा माहौल सेट कर लिया है। पहले तो रात में वो आई पूर्णिमा के सामने मास्क पहनकर। पूर्णिमा ने अपनी आंखों से शायना को देखा, लेकिन जब घर वालों की देखने की बारी आई तो भाई सब कुछ बदल गया, क्योंकि ये शायना का पहले से ही प्लान था। सबको बताऊंगी मैं कि तुम्हारा चेहरा क्या है। पूर्णिमा ये क्या कर रही, छोड़ो उसे। महाराज मैंने कहा था ना आप लोगों से कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब शायना कर रही है। हो क्या गया? क्या बोलती जा रही है? यही कि इस मुखौटे के पीछे शायना का असली चेहरा है। देखिए ये अलग मास्क है पूर्णिमा, तुमने कितनी जोर से मुझ पर अटैक किया। पूर्णिमा तुम्हें हो क्या गया? शायना हमारी गेस्ट है। नहीं राज, ये मुखौटा अलग है, मैंने खुद देखा था। तो जो अभी आपने सीन देखा वहाँ पर, वो मास्क पहन के उसका बर्थडे ऐसे इंजॉय कर रही है, यू नो सेलिब्रेशन कर रही है। तो पूर्णिमा को लगता है कि यही है वो जो मुझे पे बहुत टाइम से अटैक चल रहा है, तो वो आके अटैक करके लेकर जाती है सीधे। बट ये प्लस प्लस हो जाता है शायना के लिए, क्योंकि सब पूरी फैमिली को पता चलता है कि ये तो बर्थडे मास्क है और यू नो शायना इज़ वेरी इनोसेंट। तो दैट्स हाउ ये वाला जो पॉइंट है ये शायना के बैग में आ जाता है। दिमागी तौर पर वो पूर्णिमा को पागल घोषित करना चाहती है, ऐसा हमें लग रहा है। अब इस बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारी शायना ने की है, तो जाहिर सी बात है कि घर वालों का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा रहेगा। रानी तो रानी होती, पटरानी अनेक होती हैं। तो अभी पटरानी को ऐसा लग रहा है कि राजा हमें केक खिलाएगा, लेकिन केक रानी को खिलाया जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है जहाँ पर शायना जेलस फील कर रही है, क्योंकि पहला जो बाइट है केक का वो पूर्णिमा को खिलाया गया, शायना को नहीं। और उसी जलन के कारण एक ऐसा तहलका मचने वाला है इस सीक्वेंस में, इस सीन में, जहाँ पर ये मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है पर्सनली। सो या वहीं इस पार्टी में कुछ ऐसा भी जरूर होने वाला है जिसके चलते पूर्णिमा एक बार फिर से फंस जाएगी। फिलहाल राज को तो अपनी पूर्णिमा पर पूरा भरोसा है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहते हैं ना जहाँ पर प्यार होता है वहीं पे सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। दो प्यार करने वालों के बीच जुदाई का मौसम आ गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।